हेलो दोस्तों, नमस्कार, हैप्पी दिवाली। इस वीडियो में हम दिवाली के बारे में जानेंगे। किसी के मन में यही सवाल किए जाते हैं कि दिवाली क्यों मनाते हैं। इतिहास में कभी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उनके उपलक्ष्य में ही आज त्योहार मनाए जाते हैं। हम क्रिसमस मनाते हैं क्योंकि उस दिन कुछ महत्वपूर्ण बात हुई थी। लोग ईद मनाते हैं क्योंकि भूतकाल में उसी दिन कुछ अच्छा हुआ था। इस प्रकार हम उत्सव मनाते हैं। हर त्योहार के पीछे कोई कहानी है या फिर उसका कोई ज्योतिषी महत्व है। जैसे करवा चौथ पूर्णिमा का चौथा दिन होता है, जिसमें महिलाएं पूरा दिन अपने पति के कल्याण के लिए व्रत करती हैं और फिर उसके बाद उत्सव मनाती हैं व अच्छा भोजन करती हैं। ये प्रथा है और इसके पीछे कुछ कहानियां हैं। एक अन्य कहानी के अनुसार एक दुष्ट व्यक्ति जो सबको परेशान करता था, उसकी हार हो गई और फिर उससे पूछा गया कि उसकी आखिरी इच्छा क्या है। तब उसने बोला कि जिस दिन पृथ्वी पर उसका आखिरी दिन हो, उस दिन पृथ्वी का प्रत्येक व्यक्ति दिया जलाए और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके उसकी मृत्यु का उत्सव मनाए। देखिए, ये कितनी अच्छी इच्छा है। वो भी एक कैसे इंसान की जो हिटलर की तरह था, लोगों को कष्ट देता था। श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने उसे युद्ध में पराजित किया था। वो इतना शक्तिशाली था कि कोई भी पुरुष उसे परास्त नहीं कर पाया था। लेकिन जब उसके सामने एक महिला आई तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा ये महिला क्या कर सकती है, मगर वास्तव में महिला ने ही उसे परास्त कर दिया। कृष्ण की पहली पत्नी ने उसे हराया और उसके पीछे कृष्ण ही थे। उसका नाम नरकासुर इसीलिए पड़ा था क्योंकि वो जहाँ भी जाता था वहाँ लोगों को कष्ट देकर उस जगह को नरक बना देता था। इसीलिए मरते समय जब उससे पूछा गया कि अब तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तब उसने कहा मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी मृत्यु सबके जीवन में प्रकाश लाए। तो फिर सभी लोगों ने दिए जलाए, जितने हो सके उतने अधिक दिए जलाए, जीवन का उत्सव मनाया, सभी करवाहट भूलकर जीवन को उल्लासित होकर मनाया और इसी तरह दिवाली का जन्म हुआ। इसी तरह बहुत सी कहानियां हैं। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से हर्षित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की वो रात्रि दीयों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक भारत के लोग प्रतिवर्ष ये प्रकाश पर्व हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है और असत्य की हार होती है। हर बार दीपावली का त्योहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसीलिए हर घर में दीप जलने के साथ साथ हम लक्ष्मी जी की पूजा की जाते हैं।